एवरीवन, मैं हूँ अरिबा। आप सबका स्वागत है ANS ब्लॉग में। हो चुका है नेक्स्ट डे। सो गाइस, आज हम लोग के घर पर, मतलब कल हम लोग ने रिजल्ट लेकर आए थे, तो मैं आप लोग को बताती हूँ मेरे परसेंटेज कितने आए हैं। सो मैं आई हूँ थर्ड रैंक, 98% से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं 100% लाने की बहुत कोशिश करूँगी। और अभी सैफ का आया है कुछ, हाँ, 94% फोर्थ रैंक। और नुमान भाई 84% लाया है। इंशाल्लाह वो भी बहुत कोशिश करेगा आगे बढ़ने की, 90 तक आने की। और मैं तो बहुत खुश थी। और आज है संडे, संडे मीन्स फंडे। सो अभी तो आप कल हम लोग जैसे आए तो हम लोग ने खाना खाया, प्रॉन्स मसाला विथ रोटी। और मैं अभी दरवाजे के पास बैठी हुई हूँ, इसलिए ये पर्दा बार बार आके मुझे छेड़ रहा है। और अभी हम लोग, मतलब कल आने के बाद फिर एक अंकल आए थे, हम लोग को ये बड़ा वाला कबाड़ बेचना है, ये वाला, ये बड़ा कबाड़ है ना, ये मम्मी की शादी पे मम्मी को नाना ने गिफ्ट दिए थे। और गाइस, ये 15 साल से हम लोग के पास ही है। और गाइस, आज बहुत मज़ा आएगी। और गाइस, मैं आप लोग को बताती हूँ, तो ये कबाड़ बेचने के लिए वो अंकल आए थे, तो रात को इस मम्मी ने बैठ के सारी शिफ्टिंग कर ली कबाड़ की, और सारा सामान ऊपर चला गया, ऊपर नहीं, ऊपर वहाँ। और गाइस, गाइस मैं बोल रहा था रात में बाय बाय, तेरा टाइम ख़त्म हो गया कबाड़। तो मम्मी बोले, एड़े 15 साल का कबाड़ है मेरा, एकदम अच्छा कबाड़ था मेरा, मम्मी बोले। और गाइस, हम लोग, मतलब फिर वो अंकल आए, और आज सुबह अंकल ने मोई कर दिए। पूरा करने के बाद अंकल बोले कि आज कबाड़ नहीं आएगा, बाद में भेजूँगा। और उसके बाद अभी हम लोग बैठे थे, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज मन नहीं है ज़रा भी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है हम लोग सबकी भी। तो अभी हम लोग ने जो रंग उत्सव का कॉम्पिटिशन आता है वहाँ से, हम लोग की स्कूल से, तो हम लोग को भी वो हम लोग ने भी लिया है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा गंद मचा दिया है, और यहाँ से मैंने लिया है, ये स्केचिंग का पेपर है, ये देखो, इसमें टाइटल है पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडल, क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेस, लैंडस्केप ऑफ ह्यूमन फिगर। तो ये सब इसमें से कोई बनाएंगे, तो हम, मैं सोच रही हूँ मैं ये बनाऊँ, ये एक्ट्रेस। और अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो मैं कर रही हूँ हैंड राइटिंग का। मेरी हैंड राइटिंग कितनी प्रिटी, आप लोग देख सकते हो मेरा, और ना सबको, मतलब स्टैंडर्ड वाइज। गाइस, मेरी हैंड राइटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और देख सकते हो मैंने कितनी ब्यूटिफुली हैंड राइटिंग निकाला है। तो ये वाला लिखी हूँ मैंने बड़ा सा, और सैफ का भी कलरिंग पूरा हो चुका है, ये देखो। ये सब मैंने बताई हूँ तब उसने किया है, ठीक है। ये देखो, ये तो इसने गंदा करके छोड़ा है, खुद किया है ना, तो कितना मस्त लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हैंड राइटिंग के कलरिंग। सो चलो, अभी मैं आप लोग को आगे मिलती हूँ। लास्ट, मेरी स्केचिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने बनाया है हमारी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ये थोड़ी बहुत शक्ल से नहीं लग रही रहेगी, बट अच्छी तो लग रही है ना, आप लोग बताओ ज़रूर। और पहले तो मैं कोशिश कर रही थी, पहले मैं काजोल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काजोल की तो मैंने मुंडी काट दी। और उसके बाद मैं भगत सिंह बनाने लग गई, क्योंकि उसमें था कि अ पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री भी था, तो मैं भगत सिंह बनाने लग गई, लेकिन वो भी नहीं बन पाया, कि नाक टेढ़ी हो गई थी तो वो भी नहीं बन पाया। दीपिका पादुकोण का होंठ टेढ़ा हो गया था, लेकिन बट वो अच्छी बन गई है। सो और भाई की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, और बहुत अच्छा लगा भाई का भी। भाई का क्या था, दूध, मतलब दूध वाला एक आदमी था, उसके हाथ में दूध का कुछ तो था, कैन था, और आजू बाजू दूध के कैन रखे हुए थे, और थोड़ा बहुत दूध नहीं था, पानी था शायद, पानी था, क्योंकि भाई ने उसके ऊपर ब्लू ब्लू किया, और इतना प्यारा लग रहा था भाई का भी। और मेरा, आप लोग देख, मेरी हैंड राइटिंग तो मैंने आप लोग को दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं वापस दिखा देती हूँ। फ़ैन ऑन है इसलिए बहुत उड़ रहा है, देख सकते हो कि प्रिटी है ना मेरी हैंड राइटिंग, मानते हो कि नहीं। हमने क्या किया, हम लोग गए थे वो स्टेशनरी वाले, एक अंकल आते ठेला लेकर, तो वो आए, उनके साथ, उनके सामने सेफ गया, 20 रुपया लेकर गया था, मैंने बोले 10 का मुझे दिला दे और 10 का तू ले ले, उसने नहीं माना। एट लास्ट मैंने जिद करी और मैंने एक फाइल ले ली, और वो सेफ ने, मैं दिखाती हूँ, सेफ दिखा,
और सैफ को मैंने ये दिलाई तो वो रोने लगा रोड पर ही और बोला, उसको झाड़ के पास रख कर बोलता है कि तू ले ले मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा बोल के चला गया। मैंने उठाई, मैंने घर पे ला के रख दी, तो मैं मम्मी को जाके बोलने लगी, मैं आया जिद करते हुए कि मुझे नहीं दिलाई, मुझे नहीं दिलाई, 20 रुपये का सुबह तक आगे बैठी है, करते हुए आया। और वो जो टूटी हुई कुर्सी जो मेरे डैडी से टूट गई थी जल्दी से, उसके ऊपर खट करके बैठा, वो कुर्सी से गिरा, दीवार पर सर लगा और मैं पीछे से निकली और मेरे पैर पर उसने कुर्सी का वो लगा दिया और इतना बुरा मेरा नाखून टूटा। क्या वो लगा दिया? कुर्सी का जो है पैर रहता है ना, वो रहता है ना थोड़ा होल होल रहता है ना, तो वो खच करके मेरे नाखून में घुस गया। इतना रोई मैं चिल्ला चिल्ला के रोई थी इतना। गाइस एक चीज बोलूं आपको, ये पहले जब छोटी थी ना तो ये उसको सुई लगाने में है ना 6 डॉक्टर पकड़े थे और एक मम्मी, कितने हुए? 7 जन। एक सुई लगाने के पीछे पूरे 7 जन। इतना देखो गाइस नाखून पे थोड़ा, अरे गाइस मैं जब छोटी थी तो मुझे चूहा काटा था तो उस वजह से अभी सुई लगा देते हैं इसको। अभी भी रोती हूँ, अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मेरे को डबल टाइफाइड हुआ था तो मेरा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए वो डॉक्टर ने क्या किया, मतलब वो जो थे ना वो उनकी वाइफ ने पकड़े थे, उन वाइफ की बहन ने पकड़े थे, डॉक्टर ने पकड़े थे, मम्मी ने पकड़े थे, तो भी मैं रुक रही नहीं थी, मुझे इतना डर लगता इंजेक्शन से, मच्छर काटते तो खुजाल। गाइस मेरा पैर का वो क्या बोलते हैं मम्मा उसको, एक्सरे, एक्सरे कराने गए थे तो बस एक सुई में मेरा काम हो गया था और मैं रोया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं एकदम बेस्ट हूँ। तो लड़कियाँ तो ऐसी ही होती, प्रो प्रो एकदम, लड़की लोग तो ऐसे ही होते हैं ना गाइस। और मैं अभी मेरा पाउच सेट कर रही हूँ और ना देख, मैंने ना मेरी पेन में ये डाला था, ये रेफ्रिजरेटर दिख रहा है ना, ये मीटर था, तो ये मैंने मेरी पेन में डाली थी गाइस, मैंने इसके अंदर डालने बोला अभी मैं डाल ही नहीं है, इसमें ग्लिटर डालू? हाँ। जा पहले थोड़ा पानी कम करके ला, इसके अंदर अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे बापू तो चढ़ गया, इसे गई नहीं वो यार, बस बस अब ला लूंगी। ओ अभी देख सकते हैं आप, इसने पूरा गंदा कर दिए और गाइस ये देखो ये गंदा सा हिल रहा है कुछ अंदर ग्लिटर ही है। और गाइस अभी मैं और गाइस नीचे देख सकते हैं आप पूरा गिराई है इसने, और गाइस मेरा पिकाचू। और गाइस मैं आप लोग बता दी इसने इसके अंदर खुशबू और इसको नरम कैसे किया दिखाओ इधर। तो इसने क्या किया, पानी लिया और उसको उसके अंदर पिकाचू को डाल दिया, वो जो रहता है हैंड वॉश उसको डाल दिया और इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, 6-7 घंटे के बाद निकाला पूरा कड़क था। फिर ये जो पिकाचू था वो ऊपर ऐसे ऐसे बैठा हुआ था तो इतना क्यूट लग रहा था, हम लोगों ने फोटो भी लिए शायद भाई डाले। और अभी मैं करने जा रही हूँ एक बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट, सैफ मेरी हेल्प करेगा, सैफ नीचे आओ, सैफ ले पकड़। और ये एक्सपेरिमेंट भी ग्लिटर से ही है तो काम बजेगा, तो मम्मी डांटेंगे पहले ही नहीं जाने जाने चाहिए, मैं इसको पहले साइड कर देती हूँ, मैं इसको अभी फटाफट से पकड़ इसको, सेफ नहीं ऐसे नहीं, तो मैं पहले ये पेपर में इसको डाल रही हूँ, ये मेरा रफ पेपर है, आपको भी कोई पेपर नहीं लेना, तो इसको ऐसे करेंगे हम लोग ऐसे और इसको यहाँ से थोड़ा और जाएगा क्योंकि बहुत कम है, थोड़ा और भरेंगे हम लोग, तो और थोड़ा ग्लिटर डालते हैं यहाँ पर। वाओ कितना पेटी है, गिरा दे हम पूरा, अल्लाह ये कचरा क्या है, वो कचरा शायद कहाँ से आया, हाथ पे कचरा है, चल चल हट हट, तुम चल गिरा दे, अरे एक और, अरे सेफ तू रहने दे, कोई बात नहीं चलेगा, कचरा अंदर जाके दिखने वाले भी नहीं है। गाइस को तो दिखा से है, अरे तू पूरा पेपर ही घुस जा रही है तो ग्लिटर कैसे डाले?
गिरा दिया हम लोग मैं सारा ग्लिटर एक्साइट करती हूँ यहाँ पर, तो अभी मैं इसको लाती हूँ। देखो ये देखो ये देखो ये देखो मेरी प्रिटी सी ब्लू कलर की पेन, कितना क्यूट लग रहा है ना। और इससे मैं भी ग्लिटर जाए एनआई है सिंपल, क्योंकि इसकी इंक में अच्छा हुआ ग्लिटर नहीं गया वरना ग्लिटर पेन बन जाती। और सेफ अपने पिकाचू की वाट लगाते हुए और मैं फटाफट इसको क्लीन करूंगी ना, तो मम्मी बहुत मार। मैं इसको चमका रहा हूँ, अरिबा बोल रही है वाइट लगा तो गलत है। बस मेरा लास्ट का कुछ डिटेल्स बाकी रह गया है, तो वो मैं डिटेल्स कर रही हूँ। मेरे मुंह पर थोड़ा ग्लिटर्स लग चुके हैं, मुझे इतना पता है क्योंकि मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है। और मैं फटाफट से डिटेल बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, और ये लास्ट लाइन बाकी चलती है। और ऐसा मतलब ड्रेस मेरे पास है, बट मेरे ड्रेस में आप लोगों ने देखा रहेगा मेरे पास पिंक एंड वाइट ऐसा लाइनिंग वाला है, तो बट मैंने दीपिका पादुकोण मेरे जैसी थोड़ी है ना, तो उसके ड्रेस को मैं थोड़े बहुत बूंदी बना रही हूँ। और ये लास्ट पॉइंट्स पर मैं आ चुकी रुक चुकी हूँ, एकदम थक गई हूँ मैं। तो मेरी दीपिका पादुकोण एकदम रेडी है, और उसके साथ है हैंड राइटिंग का भी। तो हैंड राइटिंग अच्छी लग रही है कि दीपिका पादुकोण, तो आप लोग बताना ज़रूर। और गाइस और गाइस आज के लिए इतना काफी था, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना। बाय।